प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर कहा कि कोविड-19 का प्रकोप वैश्विक स्तर पर बहुत तेज गति से रहा। दूसरी लहर का प्रकोप देश में तथा राज्य में बहुत तेजी से फैला है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक प्रदेश में 3,10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज थे, लेकिन प्रदेश सरकार के अच्छे प्रबंधन से अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 12,243 पर आ गया है। सभी जनपदों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 600 से कम है। उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश में 30,000 प्रतिदिन पॉजिटिव केस आ रहे थे, अब सैकड़ों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया है, जिससे रिकवरी रेट 98% से अधिक हो गया है तथा मृत्यु की दर 1.3% से कम हो गया है। उन्होंने कहा कि कोविड जांच के लिए 714 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं तथा प्रतिदिन 2,80,000 से लेकर 3,00,000 के बीच में जांच किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक प्रदेश में 5,25,03,838 लोगों का कोविड टेस्ट किया जा चुका है, जो कि प्रदेश की आबादी का 25% है। उन्होंने बताया कि कोविड का टीकाकरण प्रदेश में पहला डोज 1,78,64,149 व्यक्तियों तथा दूसरा डोज 37,01,000 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में कुल 2,15,65,323 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष के व्यक्तियों को प्रथम डोज 37,20,278 तथा दूसरा डोज 95,102 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा प्रदेश में 1 जून से टीकाकरण को रफ्तार मिली है तथा तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में बच्चों के लिए 50 बेड का आईसीयू का अस्पताल तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों तथा सांसद को एक एक सीएससी को गोद लेने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, कोविड महामारी का प्रकोप वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से रहा, देश के भीतर भी रहा और राज्य में भी दूसरा लहर बहुत तेज गति से बढ़ा। 30 अप्रैल को 3,10,000 से ज्यादा संक्रमित लोग उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महामारी के कुशल प्रबंधन के कारण कुल एक्टिव केस सिमट करके 12,243 पर चले आए। और पॉजिटिव की संख्या भी लगभग 600 के करीब कल रही है। तो जहां 30,000 प्रतिदिन आ रहे थे, एक महीने के भीतर नियंत्रित करके उसको सैकड़े मिला दिया है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़े व्यापक तौर पर बढ़ाया गया, उसके परिणाम स्वरूप रिकवरी रेट जो है उत्तर प्रदेश का 98% से अधिक हो गया है। जहां दिल्ली और महाराष्ट्र में मृत्यु दर 5% से ऊपर हैं, उत्तर प्रदेश में वो घट करके 1.3% के करीब है और लगातार जो है उसके मृत्यु के ऊपर भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण जो है वो रोकथाम लगाई जा सकी है। कोविड टेस्ट के लिए 714 प्रयोगशालाएं लैब हमारे काम कर रहे हैं और प्रतिदिन जो है वो 2,80,000 से लेकर के 3,00,000 के बीच में संक्रमित लोगों की जांच कर रहे हैं। अब तक जो है वो कुल टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के भीतर 23 करोड़ आबादी में 5,25,03,838 लोगों की टेस्ट जो है वो जांच कराई जा चुकी है, यानी 25% से ज़्यादा लोगों की जांच जो है कोविड टेस्ट की राज्य के भीतर हुई, जिसमें आरटीपीसीआर के द्वारा
करोड़ से ज़्यादा लोगों का आरटीपीसीआर से जांच की गई है। दो करोड़ 15,68,000 लोगों से ज़्यादा की सरकारी लैब में और 14,53,196 लोगों की प्राइवेट लैब में, और शेष जो है वो एंटीजन टेस्ट हुई और ट्रूनेट मशीन से हुई है। टीकाकरण की दृष्टि से भी राज्य के भीतर व्यापक प्रबंध योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, और अब तक प्रथम डोज जो है टीकाकरण का 1,78,64,149 लोगों का टीका 9 तारीख तक लगाया जा चुका है। दूसरे डोज में भी 37,01,174 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है, और इस प्रकार से 2,15,65,323 लोगों का टीका का कुल डोज जो है वो अब तक वैक्सीन के माध्यम से लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 18 से 45 वर्ष के आयु के नीचे के लोगों को भी प्रथम डोज 37,20,278 लोगों को प्रथम डोज दी जा चुकी, और दूसरा डोज भी 95,102 दिया जा चुका है। तेज गति से 1 जून से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और अब तक जो है वो काफ़ी व्यापक अभियान चला करके अब नीचे के आयु के लोगों का भी जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है। तीसरी लहर के तैयारी के दृष्टि से अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, और मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों के भीतर 50 बेड का बच्चों का आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिए हैं, और हर जनप्रतिनिधि को, सांसद और विधायक को ये आग्रह किया है कि वो अपने क्षेत्र के एक एक सीएससी और पीएससी को गोद लें, और जिस पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्य के भीतर कोविड महामारी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्ड धारकों को 1,70,00,000 से ज़्यादा कार्ड धारक हैं, उसमें और 14,80,47,032 यूनिट पड़ते हैं। प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को निःशुल्क राशन दिए जाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है, जिसके अंतर्गत जून, जुलाई और अगस्त महीने में 24,552 लाख मेट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण ₹20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल राज्य की ओर से किया जाएगा, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 589 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है इन 3 महीनों के लिए। यूनिट होगा 14,80,47,032, और कार्ड जो हो जाएंगे वो कार्ड जो भी जो हो जाएंगे कुल टोटल कार्ड, ये पात्र गृहस्थी के कार्ड जो हैं वो अंत्योदय कार्ड होंगे, पात्र गृहस्थी के कार्ड हैं 3,18,4,20, और पात्र गृहस्थी के कार्ड हैं 40,94,500। ये इतनी बड़े तादाद में यह जो है वो धन राशन उनको जाकर के वितरित होगा। 3,58,59,00,000 से ज़्यादा कार्ड हो जाएंगे, और यूनिट हो जाएगी 14,80,47,032।